नेहा, ओ नेहा, क्या हुआ दीदी? आप इतना शोर क्यों मचा रही हो? अरे नेहा, एक काम करो, तुम सासू माँ के लिए चाय नाश्ता बना दो। देखो दीदी, मुझे चक्कर आ रहे हैं। ओह नो! आज मैं चाय नाश्ता नहीं बनाऊंगी, आप खुद ही बना दो ना। अरे बदतमीज लड़की, मैं तो तुझे अपनी छोटी बहन समझ रही थी और तू मुझसे ही जबान लड़ाने लगी। मैं कहती हूँ फटाफट चाय बना, वरना मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। देखो दीदी, जितना हक इस घर में तुम्हारा है उतना मेरा भी है, इसलिए तमीज से बात करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वरना क्या उखाड़ लेगी तू? अरे क्या हुआ लता बहू, आज तुम दोनों देवरानी जेठानी क्यों हंगामा मचा रही हो? देखिए माँ जी, आप अपनी इस छोटी बदतमीज बहू को समझा लीजिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर ये तो बताओ, आखिर हुआ क्या है? वो काम चोरनी क्या बताएगी माँ जी आपको? देख नेहा, मैं कब से बर्दाश्त कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी बोलती जाएगी और मैं सुनती रहूंगी। अब अगर मेरे बारे में एक भी शब्द बोला तो मैं तेरी जबान खींच लूंगी। अगर सच्चाई तुम्हें इतनी ही कड़वी लगती है तो घर के काम काज में हाथ बटाया करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। हे भगवान, तुम दोनों दिन भर लड़ती ही रहोगी क्या? अरे कोई तो मुझे ये बताओ, आखिर लड़ाई किस बात पे हो रही है? देखो माँ जी, मैंने नेहा को चाय बनाने का बोला तो वो मना कर रही है, इसलिए मुझे उस पर गुस्सा आ रहा है। अरे बहू, इसमें लड़ने झगड़ने वाली कौन सी बात है? वो बेचारी दिन भर घर का सारा कामकाज करती रहती है, इसलिए थक गई होगी। एक काम कर, तू ही बना दे। अरे माँ जी, आपको तो पता है ना, मैं अभी अभी नहाई हूँ और चोटी बना के मार्केट जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए। अच्छा, देखो माँ जी, शॉपिंग वॉपिंग तो केवल बहाना है, और इनको अपने आशिक के साथ मुंह काला कराने जाना है, इसलिए कामकाज करने में नखरे लगा रही है। अरे बदतमीज लड़की, तुझे मेरे चरित्र पर उंगली उठाते हुए शर्म नहीं आती? तेरी आंखें फूट गई है क्या? घर में राशन खत्म हो गया है, इसलिए मैं वही लेने जा रही हूँ। और आप बहरी हो गई हो क्या? मैंने बोला ना, मेरा जी घबरा रहा है और मुझे चक्कर आ रहे हैं। ओह नो! इसलिए आज खाना बनाने से लेकर बर्तन मांजने तक का सारा काम आपको ही करना पड़ेगा।